वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में वन प्लस का फ़ोन। इसमें अगर आपको जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करें इस प्रॉब्लम को, ये मैं बता देता हूँ, बता दीजिए। सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेंगे। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम स्टेप आपको फॉलो करना है और आपकी जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ़ोन की सेटिंग के अंदर, वहाँ जाके हम जो है वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये हम आ गए सेटिंग के अंदर। यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद आपको जो है नीचे आना है, डाउन साइड पे बिल्कुल नीचे आ जाना है और यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर पे ये गोल से सर्कल के अंदर 3 डॉट आपको शो होगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे बस टच करना है, ठीक है। फिर ऊपर से आपको काउंट करना है 1 और 2, 2 पर जो भी ऑप्शन आएगा आपको उस पर टच करना है। अगर यहाँ पे 1 और 2 में लैंग्वेज आ रही है, जैसे मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज ले लेता हूँ और ये देखो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ये लैंग्वेज चेंज हो गई। अगर ऐसे लैंग्वेज आ रही है आपके फ़ोन में तो जो भी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है उसे हमें फ़र्स्ट पे करना होता है। अगर हम फर्स्ट पे नहीं करेंगे तो हमारी लैंग्वेज जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हम फर्स्ट पे करते हैं इसे, इसको प्रेस करके इसे आपको ऊपर की साइड मूव करके बस छोड़ देना है। नीचे ये ऑप्शन आएगा ग्रीन कलर का, आपको इस पर टच करना है। इस पर टच करते ही आप देखें ये हमारी फिर से इंग्लिश लैंग्वेज हो गई है, ठीक है। 3 डॉट पे जाना है आपको, एडिट का ऑप्शन आएगा, जो लैंग्वेज आपको रिमूव करनी है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से उसे डिलीट कर देना है। यहाँ से हमने इसे डिलीट कर दिया और ये देखें इस तरह से गाइस आप अपने फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।